हेलो फ्रेंड्स, सीएसआईआर नेट लाइफ साइंसेस का ग्लूकोनियोजेनेसिस का ये पार्ट सेकंड है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है एंड उसके अंदर कौन कौन सी साइकिल्स इन्वॉल्व होती हैं। इस पार्ट में हम इस ग्लूकोनियोजेनेसिस का रेसिप्रोकल रेगुलेशन देखेंगे। पार्ट थ्री में हम देखेंगे फ्रक्टोस 2,6 बिसफॉस्फेट का रोल, ब्लड ग्लूकोज और ग्लूकोनियोजेनेसिस का रिलेशनशिप एंड ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स। एंड पार्ट फोर्थ में हम हमारे सीएसआईआर नेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस से रिलेटेड। तो हम हमारा पार्ट सेकंड स्टार्ट करते हैं, रेसिप्रोकल रेगुलेशन। तो हमें पता है ग्लाइकोलाइसिस का काम होता है ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करना और ग्लूकोनियोजेनेसिस का काम होता है ग्लूकोज की सिंथेसिस करना। दोनों ही प्रोसेस एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। तो इन दोनों अपोजिट प्रोसेसेस को कैसे रेसिप्रोकली रेगुलेट किया जाता है वो हम देखेंगे। यूजुअली ये जितने भी रिएक्शंस हम देख रहे हैं ये डिपेंड करते हैं कि सबस्ट्रेट कौन सा अवेलेबल है। हमारा यहाँ पे सबस्ट्रेट ग्लूकोज है तो ग्लूकोज की जो अवेलेबिलिटी है वो ज़्यादातर डिपेंड करती है इन रेगुलेटरी प्रोसेसेस के लिए, और प्लस हार्मोन का रेगुलेशन भी होता है। तो इस रेसिप्रोकल रेगुलेशन में हम बेसिकली थ्री इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म्स देखेंगे। पहला वाला जो मैकेनिज्म है कि एंजाइम की सिंथेसिस के रेट में चेंज होना। तो सपोज़ ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम्स ज़्यादा बन रही हैं तो ग्लाइकोलाइसिस होगा, और ग्लूकोनियोजेनेसिस के एंजाइम्स ज़्यादा बन रही है तो ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा। और ये जो दोनों सिंथेसिस है ये रिवर्सिबल है, मतलब रेसिप्रोकल है, रिवर्सिबल नहीं रेसिप्रोकल है। तो अगर ग्लूकोनियोजेनेसिस के एंजाइम्स ज़्यादा रेट में बन रही हैं तो ऑब्वियसली ग्लाइकोलाइसिस की कम बन रही होंगी, और ऐसे ही ग्लाइकोलाइसिस की अगर ज़्यादा बन रही है तो ग्लूकोनियोजेनेसिस की एंजाइम्स कम बन रही होंगी। सेकेंड एस्पेक्ट है रेगुलेशन का कोवेलेंट मॉडिफिकेशन। कोवेलेंट मॉडिफिकेशन से हमारा मतलब है जब किसी एंजाइम पे फॉस्फेट लगा दिया जाता है तो एंजाइम पे फॉस्फेट लगाने से एंजाइम एक्टिव भी हो सकती है और एंजाइम इनएक्टिव भी हो सकती है। इस तरह से एंजाइम्स को रेगुलेट किया जाता है। एंड जो हमारा थर्ड मैकेनिज्म है वो एलोस्टेरिक इफ़ेक्ट है। एलोस्टेरिक इफ़ेक्ट में एक एंजाइम पे एक मॉड्यूलेटर जाके बाइंड होता है जो एंजाइम को आइदर एक्टिवेट करता है या फिर इनएक्टिवेट करता है। तो हम ये तीनों प्रोसेसेस इस रेसिप्रोकल रेगुलेशन में स्टडी करेंगे। सबसे पहला वाला जो प्रोसेस है हमारा एंजाइम सिंथेसिस के अंदर चेंज, तो जो ये ग्लाइकोलाइसिस है या ग्लूकोनियोजेनेसिस है इसमें कौन सी एंजाइम के सिंथेसिस पे चेंज को मॉनिटर किया जाएगा। ये वो एंजाइम्स हैं जो नॉन रिवर्सिबल हैं। तो तीन ही हमारे इरिवर्सिबल रिएक्शन थे, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनना, फ्रक्टोज से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट बनना, और लास्ट पाइरुवेट्स फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से पाइरुवेट बनना। तो ये जो तीनों इरिवर्सिबल एंजाइम प्रोसेसेस की जो एंजाइम्स हैं उनकी सिंथेसिस में चेंज होना ही इसका मेन रोल प्ले करता है, और ये रेसिप्रोकली रेगुलेट करता है होते हैं। सपोज़ ग्लूकोज बॉडी में बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। अगर ग्लूकोज बॉडी में ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो बॉडी की नीड है कि ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म हो। तो बिकॉज ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म हो तो ज़्यादा अमाउंट में एंजाइम्स कौन सी सिंथेसाइज होंगी, ग्लाइकोलाइसिस की जो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करे, एंड लाइपोजेनेसिस की लिपिड सिंथेसिस की। इन टर्न अगर ग्लूकोज की एक्सेस है तो एंजाइम्स कौन सी कम सिंथेसाइज होंगी, ग्लूकोनियोजेनेसिस की एंजाइम्स कम सिंथेसाइज होंगी। मतलब एक्टिविटी लो ग्लूकोनियोजेनेसिस एंजाइम्स की रखी जाएगी और एक्टिविटी हाई ग्लाइकोलाइसिस एंड लाइपोजेनेसिस एंजाइम की रखी जाएंगी। जो भी ये जो एक्टिविटी है ये मेंटेन कैसे की जाती है, हार्मोन से रेगुलेटेड होती है। जैसे ज़्यादातर एंजाइम्स जो होती हैं ये हमारा सेकेंड मैसेंजर मॉलिक्यूल है साइक्लिक AMP।
इससे रेगुलेटेड होती है। तो ये जो साइक्लिक एएमपी है इसके ऊपर क्या काम करता है, इंसुलिन काम करता है। अगर ग्लूकोज ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो इंसुलिन क्या करता है, साइक्लिक एएमपी को इनहिबिट कर देता है। साइक्लिक एएमपी का एक्चुअल रोल क्या होता है, साइक्लिक एएमपी का एक्चुअल रोल होता है ग्लाइकोलाइसिस को इनहिबिट करना, इन टर्न ग्लूकोनियोजेनेसिस को एक्टिवेट करना। बट क्योंकि इंसुलिन ने साइक्लिक एएमपी को इनहिबिट कर दिया है तो जो इनहिबिशन था ग्लाइकोलाइसिस का वो हट जाएगा, इन टर्न ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं होगा और ग्लाइकोलाइसिस होगा। तो जब भी ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होता है इंसुलिन प्रोड्यूस होता है और ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस इनहिबिट हो जाता है कंट्रोल्ड बाय सेकेंड मैसेंजर साइक्लिक एएमपी। और ये साइक्लिक एएमपी किसके थ्रू प्रोड्यूस होता है, ग्लूकागन एंड एपिनेफ्रिन के थ्रू। तो ग्लूकागन एंड एपिनेफ्रिन दोनों एक दूसरे के एंटागनिस्ट हार्मोन्स हैं। डिहाइड्रोजनेजेस, दो डिहाइड्रोजनेजेस पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में यूज की जाती हैं। तो ये जो एंजाइम्स हैं इन एंजाइम्स की एक्टिविटी भी वेरी होती है। ये एंजाइम की एक्टिविटी कब एनहांस होती है, जब एक एनिमल ने ज़्यादा अच्छा फूड खाया होता है, वेल फेड एनिमल होता है। अब वेल फेड एनिमल होगा तो मतलब ग्लाइकोलाइसिस करना है, और अगर ग्लाइकोलाइसिस करना है तो इंसुलिन जो है वो बेसिकली प्रेजेंट होता है इसमें। तो ये जो डिहाइड्रोजनेसिस एंजाइम है जो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में काम में आती है, इनकी एक्टिविटी इन्हांस हो जाती है। सिमिलरली अगर हम देखें, सिमिलरली अगर हम देखते हैं इसके अंदर ये वाली जो एंजाइम है, इस एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाती है अगर कोई पर्सन स्टारवेशन कर रहा है, क्योंकि तब इस डिहाइड्रोजनेसिस एंजाइम्स की वजह से जो प्रोडक्ट बनना है वो नहीं बनेगा और ये वाली एंजाइम की एक्टिविटी लो कर दी जाएगी। तो बेसिकली ये वाली एंजाइम्स कैसे काम करती हैं पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में, हम वो देख लेते हैं। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे जो मैंने अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया है तो वो हम नेक्स्ट वाले वीडियोस में देखेंगे। तो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे बेसिकली रिबुलोज 5 फॉस्फेट बनाने का काम करता है, राइबोज 5 फॉस्फेट बनाने का काम करता है। तो ये शुरू प्रोसेस यहीं से होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ही शुरू होता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पे आपकी एंजाइम काम करती है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस, क्योंकि डिहाइड्रोजनेस एंजाइम है तो NADH यूज़ करेगी, NAD से NADH बनाएगी। तो यहाँ बन जाता है हमारे पास में 6 फॉस्फोग्लूकोनेट, और क्योंकि डिहाइड्रोजनेस एंजाइम है तो NADP यूज़ करती है और NADPH प्रोड्यूस करती है इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम मैंगनीज और कैल्शियम आयोन्स। नेक्स्ट 6 फॉस्फोग्लूकोनेट पे दूसरी डिहाइड्रोजनेस एंजाइम 6 फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजनेस काम करती है, अगेन ये भी NADP को यूज़ करती है और बना देती है रिबुलोज 5 फॉस्फेट। तो ये हमारा रिबुलोज 5 फॉस्फेट बन जाता है NADP को यूज़ करके, तो NADPH बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है और हमारे पास में प्रोडक्ट बन जाता है रिबुलोज 5 फॉस्फेट। तो जब भी एक वेल फेड एनिमल होगा जिसके अंदर ग्लूकोज की एक्सेस प्रेजेंट होगी तो उस ग्लूकोज को रिबुलोज 5 फॉस्फेट बनाने का के लिए यूटिलाइज किया जाएगा वाया पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। लेकिन अगर वही ऑर्गेनिज्म स्टार्व कर रहा है तो ये जो डिहाइड्रोजनेसिस एंजाइम है इनकी एक्टिविटी को डिक्रीज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट एस्पेक्ट हम देखते हैं रेगुलेशन का, वो है कोवेलेंट मॉडिफिकेशन। कोवेलेंट मॉडिफिकेशन में मैंने आपको बताया था एंजाइम पे फॉस्फेट लगाई जाती है, उस फॉस्फेट की वजह से एंजाइम या तो एक्टिवेट होती है या डीएक्टिवेट होती है। तो कोवेलेंट मॉडिफिकेशन में भी हार्मोन्स का रोल होता है, जैसे हमने बताया कि हार्मोन्स के थ्रू बनता है हमारा सेकेंड मैसेंजर साइक्लिक एएमपी, और साइक्लिक एएमपी किसकी वजह से बनता है, ग्लूकागन और एपिनेफ्रिन की वजह से बनता है। ग्लूकागन एंड एपिनेफ्रिन की वजह से साइक्लिक एएमपी बनता है जो इन टर्न स्टिमुलेट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस को के पाथवे को, ग्लूकोनियोजेनेसिस का जो पाथवे उसको स्टिमुलेट करता है और इन टर्न इनहिबिट करता है ग्लाइकोलाइसिस को। लेकिन अगर इंसुलिन होगा तो इंसुलिन ने साइक्लिक एएमपी को इनहिबिट कर देता है और फिर ग्लाइकोलाइसिस होता है और ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं होता है।
ये जो साइक्लिक एएमपी, इसका काम क्या है? साइक्लिक एएमपी क्या होता है, जितनी भी प्रोटीन काइनेजेस होती हैं, सारी एंजाइम प्रोटीन ही होती हैं यूजुअली, तो प्रोटीन काइनेजेस जो फॉस्फेट लगाती हैं, तो ऐसी एंजाइम्स को क्या करता है, एक्टिवेट करता है साइक्लिक एएमपी। तो वो सारी एंजाइम्स जो दूसरी एंजाइम्स पे फॉस्फेट लगाएंगी, तो वो वाला जो प्रोसेस है वो कैरी ऑन होना शुरू हो जाता है। तो साइक्लिक एएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेजेस क्या करती हैं, प्रोटीन काइनेजेस क्या करती हैं, फॉस्फेट लगा देती हैं और इनएक्टिवेट कर देती हैं कौन सी एंजाइम को, पाइरूवेट काइनेज को। अब आपको पता है पाइरूवेट काइनेज क्या करती है, पाइरूवेट काइनेज फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट से पाइरूवेट बनाती है। और आपको पता है साइक्लिक एएमपी क्यों बना था, साइक्लिक एएमपी बना था बिकॉज ऑफ ग्लूकागन, जो ग्लूकोनियोजेनिक हार्मोन है। तो वो नहीं चाहता है कि ग्लाइकोलाइसिस हो, तो ग्लाइकोलाइसिस का ये स्टेप तो रुक गया ऑब्वियसली, और ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस इन्हांस हो गया क्योंकि पाइरूवेट काइनेस को इनएक्टिवेट कर दिया। कैसे इनएक्टिवेट किया, पाइरूवेट काइनेस पे फॉस्फेट लगा दिया साइक्लिक एएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेजेस ने। तो ये एक और काम भी करती हैं साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक एएमपी की जो कंसंट्रेशन है ये फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट की कंसंट्रेशन को भी इफ़ेक्ट करती है। और इसी तरह से फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट जो बनता है ये ग्लाइकोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस को कंट्रोल करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो हम हमारे थर्ड पार्ट में देखेंगे। पीईपी मैंने आपको बताया था फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट से क्या बनता है, पाइरूवेट बनता है, एंजाइम होती है पाइरूवेट काइनेज, और ये पाइरूवेट काइनेज पे इनहिबिशन कौन करता है, साइक्लिक एएमपी जो खुद बना है ग्लूकागन से, तो ये वाला स्टेप इनहिबिट हो जाता है और ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस को हेल्प मिलती है। जो थर्ड हमारा रेसिप्रोकल रेगुलेशन का एस्पेक्ट है वो है एलोस्टेरिक मॉडिफिकेशन। एलोस्टेरिक मॉडिफिकेशन में क्या होता है, एंजाइम पे जाके एक मॉलिक्यूल अटैच हो जाता है, वो या तो एंजाइम को एक्टिवेट करता है या फिर उस एंजाइम को इनहिबिट करता है। तो हम एग्जांपल देख लेते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में, रेसिप्रोकल रेगुलेशन में एलोस्टेरिक मॉडिफिकेशन किस तरह से काम करता है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस में एक एंजाइम होती है पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज, जो मैंने आपको हमारे फर्स्ट पार्ट में पढ़ाई थी। ये वाली एंजाइम क्या करती है, ये वाली एंजाइम की मदद से ऑक्सैलोएसिटिक एसिड की सिंथेसिस होती है, किससे, पाइरूवेट से। और क्या चाहिए होता है, एसिटाइल कोए इस एंजाइम का एलोस्टेरिक एक्टिवेटर है। तो अगर एसिटाइल कोए प्रेजेंट है तो ये वाली एंजाइम पाइरूवेट से ऑक्सैलोएसिटेट बनाना पसंद करेगी। लेकिन इन टर्न ये जो एसिटाइल कोए ये खुद कहाँ से बनता है, एसिटाइल कोए बनता है पाइरूवेट से। तो पाइरूवेट से एसिटाइल कोए बनता है और इस तरह से ऑक्सैलोएसिटिक एसिड हमेशा अवेलेबल होता है सिट्रिक एसिड साइकिल के लिए। पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम का एक्टिवेशन किया है एसिटाइल कोए ने, और इन टर्न एसिटाइल कोए इनहिबिट किसको करता है, पाइरूवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम को। तो ये जो पाइरूवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है इसको तो इनहिबिट करता है एसिटाइल कोए और एक्टिवेट करता है पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम को। तो हम इस प्रोसेस को देखेंगे कि ये कैसे एक्टिवेट और इनहिबिट करता है। ये है हमारा पाइरूवेट, और पाइरूवेट क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये क्रेब्स साइकिल है। पाइरूवेट से ऑक्सैलोएसिटेट किस एंजाइम से बनता है, वो एंजाइम है हमारी पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। तो मैंने बताया था ये वाली एंजाइम को पाइरूवेट से ऑक्सैलोएसिटेट बनाती है ये वाली एंजाइम, और इसका एलोस्टेरिक एक्टिवेटर कौन है, एसिटाइल कोए। और एसिटाइल कोए इन टर्न कहाँ से बना है, फैटी एसिड से बना है। और पाइरूवेट डिहाइड्रोजनेज क्या करती है, पाइरूवेट से एसिटाइल कोए बना देती है। अगर पाइरूवेट से एसिटाइल कोए बनेगा तो पाइरूवेट से ऑक्सैलोएसिटेट कैसे बनेगा, ये दोनों जो पाथवे है दोनों में से कोई एक पाथवे हो सकता है। तो दोनों एंजाइम एक दूसरे के एंटागोनिस्टिकली काम कर रही हैं, एक तो पाइरूवेट से एसिटाइल कोए बना रही है और दूसरा पाइरूवेट से ऑक्सैलोएसिटेट बना रही है। तो हमें ऑक्सैलोएसिटेट चाहिए ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस के लिए, तो पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज को एक्टिवेट कौन करता है, पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज को एक्टिवेट करता है एसिटाइल कोए। इन टर्न ये एलोस्टेरिक इनहिबिटर है पाइरूवेट डिहाइड्रोजनेज का। सिमिलरली एटीपी भी पाइरूवेट डिहाइड्रोजनेज को इनहिबिट करता है। अगर एटीपी के लेवल्स हाई हैं
तो वो भी इस एंजाइम को इनहिबिट करेंगे। तो इस तरह से एटीपी एज वेल एज एसिटाइल कोए एलोस्टेरिक इनहिबिटर है पाइरूवेट डिहाइड्रोजनेस के, और एसिटाइल कोए एलोस्टेरिक एक्टिवेटर है पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज का। फैटी एसिड ऑक्सीडेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस में। किस तरह से? फैटी एसिड का जब भी ऑक्सीडेशन होता है तो एटीपी मिलता है। और जो पीएफके वन एंजाइम है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज क्या करती है? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट बनाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है ग्लाइकोलाइसिस को रेगुलेट करने के लिए। ये भी इसका भी फीडबैक कंट्रोल होता है। तो एलोस्टेरिक रेगुलेशन इस एंजाइम पे भी होता है। हम इस एंजाइम पे एलोस्टेरिक रेगुलेशन अगर देखें तो ये पीएफके है, आपको पता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनाती है, एटीपी को यूटिलाइज करती है। इन टर्न ये वाली एंजाइम इनहिबिटेड है सिट्रेट से और एटीपी से। तो एलोस्टेरिक इनहिबिटर इस एंजाइम के सिट्रेट हैं और एटीपी है, और इसका एलोस्टेरिक एक्टिवेटर है साइक्लिक एएमपी। ये वाला जो प्रोसेस है ये वापस से जो रिवर्स होता है वो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज एंजाइम से होता है। ये हम आगे वाले वीडियो में देख चुके हैं पार्ट फर्स्ट के अंदर। एडिनाइलाइल काइनेज ये लिवर में प्रेजेंट होती है और इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है साइक्लिक एएमपी बनाने के लिए। तो एटीपी और एएमपी जब भी कंबाइन होते हैं तो दो मॉलिक्यूल्स एडीपी के बनते हैं। इससे हमें एक चीज़ पता होती है कि अगर एटीपी की अमाउंट ज़्यादा है तो ऑब्वियसली एडीपी की और एएमपी की कम है, और इन टर्न अगर एएमपी की ज़्यादा है तो एटीपी की कम है। और एएमपी तो वैसे ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है साइक्लिक एएमपी के जैसे, तो जब भी साइक्लिक एएमपी इन्हांस्ड होगा तो एटीपी की अमाउंट कम होगी। तो इस तरह से साइक्लिक एएमपी के अंदर जब भी चेंज होता है तो वो किसी रिएक्शन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, स्पेसिफिकली पीएफके वन के लिए। अभी हमने आगे वाले स्लाइड में देखा था कि पीएफके वन एक्टिवेटेड होती है साइक्लिक एएमपी से। तो जैसे ही स्मॉल इंक्रीज होता है एएमपी के अंदर तो ग्लाइकोलाइसिस में भी इंक्रीज हो जाता है। किस कंडीशन में? ऑक्सीजन जब कम होती है और एटीपी कम हो जाता है। एएमपी फॉस्फोराइलेज एंजाइम को भी एक्टिवेट करता है। फॉस्फोराइलेज एंजाइम का काम होता है जो ग्लाइकोजन है उसका ब्रेकडाउन करना, और इससे ग्लाइकोजेनोलाइसिस होती है। तो हम ये प्रोसेस देख लेते हैं कैसे एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम कब काम करती है, जब एटीपी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और ये वाली एंजाइम एटीपी से साइक्लिक एएमपी बना देती है। इन टर्न ये जो साइक्लिक एएमपी है ये जितनी भी प्रोटीन काइनेजेस इनएक्टिव फॉर्म में उनको एक्टिवेट कर देता है। प्रोटीन काइनेजेस का काम होता है फॉस्फेट लगाना, तो इन प्रोटीन काइनेजेस ने फॉस्फेट लगाया है फॉस्फोराइलेज काइनेज बी पे। फॉस्फोराइलेज काइनेज बी जो है ये इनएक्टिव फॉर्म है, मतलब इस इनएक्टिव फॉर्म पे अगर फॉस्फेट लग गया तो ये तो एक्टिव हो गई, और ये जो एक्टिव फॉर्म है एंजाइम की इन टर्न फॉस्फोराइलेज एंजाइम को एक्टिव कर देती है। तो जब ये फॉस्फोराइलेज को एक्टिव करेगी तो ऑब्वियसली ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा, और ये प्रोसेस वापस से कंटिन्यू में इस तरह से होता है। तो ये वाला प्रोसेस मैं आपको ग्लाइकोजेनोलाइसिस और ग्लाइकोजेनेसिस में भी बताऊंगी, लेकिन यहाँ हमारा पॉइंट ये समझने का है कि जो फॉस्फोराइलेज एंजाइम होती है ये फॉस्फोराइलेज एंजाइम ये कब एक्टिवेट होती है? जब साइक्लिक एएमपी की अमाउंट एक्टिवेट होती है। तो इनहिबिशन जो होता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज फर्स्ट का सिट्रेट से और एटीपी से, उसकी वजह से फैटी एसिड का जो ऑक्सीडेशन होता है वो बच जाता है, उसकी वजह से फैटी एसिड ऑक्सीडाइज हो पाता है, और ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन पाश्चर इफेक्ट हम देख सकते हैं। पाश्चर इफेक्ट क्या होता है? पाश्चर इफेक्ट वो इफेक्ट होता है जब भी एरोबिक ऑक्सीडेशन होता है टीसीए साइकिल की वजह से, और एनएरोबिक डिग्रेडेशन ग्लूकोज का रुक जाता है, इसे हम पाश्चर इफेक्ट कहते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो पीएफके वन थी हमारी ये किससे इनहिबिटेड होती है? सिट्रेट से एंड एटीपी से।
इन टर्न हमारे पास में, और ये रिवर्सिबल मतलब जब इसको रिवर्स करते हैं इस स्टेप को, तो दूसरी एंजाइम चाहिए होती है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। इन टर्न यही फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज को एक्टिवेट कर सकता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एंड साइक्लिक एएमपी। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इसका एलोस्टेरिक एक्टिवेटर है और साइक्लिक एएमपी भी। नेक्स्ट, अगर PFK1 इनहिबिट हो गई तो क्या होगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट तो बनेगा नहीं, और अगर ये नहीं बनेगा तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के एक्यूमुलेशन की वजह से ये वाला स्टेप भी इनहिबिट होगा, हेक्सोकाइनेज भी इनहिबिट की जाएगी। तो ये प्रोसेस जो है एलोस्टेरिक इनहिबिशन को समझाता है एंजाइम्स के, और स्पेसिफिकली हमें ये बताता है कि जो ग्लाइकोलाइसिस है और ग्लूकोनियोजेनेसिस की जो एंजाइम्स है उनका रेगुलेशन 3 लेवल्स पे किया जाता है। एलोस्टेरिक इनहिबिशन, एलोस्टेरिक इफेक्ट के कारण, कोवलेंट मॉडिफिकेशन के कारण, एंजाइम सिंथेसिस के कारण। तो ये हम पूरा पाथवे देख लेते हैं रेगुलेशन का फटाफट से। यहाँ पे जो दूसरी एंजाइम्स है जो बेसिकली ग्लूकोनियोजेनेसिस या ग्लाइकोलाइसिस में इन्वॉल्व नहीं, उन्हें हम ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ग्लूकोनियोजेनिक एंजाइम्स को ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया हुआ है। कोवलेंट रेगुलेशन को रेड एरो से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ऑरेंज एरो से। एलोस्टेरिक रेगुलेशन रिप्रेजेंट किया हुआ है पॉजिटिव रेगुलेशन ग्रीन डॉट से, एंड नेगेटिव रेगुलेशन रेड डॉट से रिप्रेजेंटेड है इसमें। और ये जो है ये ग्लूकोनियोजेनिक एमिनो एसिड का है। तो सबसे पहला ये पाथवे आपको पता ही है, ये ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे है। तो ये आपको पता है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और ये हमारा जनरल ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे है। तो जो मैं ग्लूकोनियोजेनेसिस का रेगुलेशन बता रही हूँ, ये ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे रहा ऊपर, और नीचे यहाँ पे क्रेब्स साइकिल रही। और हमें ये भी पता था ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोपायोनेट से होती है, ग्लिसरॉल से होती है, ये हमारे अमीनो एसिड्स हैं इनसे भी ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है। और क्योंकि रिवर्सल करना होता है इरिवर्सिबल स्टेप का, तो ये हमारा एक इरिवर्सिबल स्टेप का जो रिवर्सल है जिसमें मैलेट बाहर जाता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है, और PEP डायरेक्ट ये फर्स्ट स्टेप का रिवर्सल हो गया। और ये यहाँ पे पायरुवेट का अभी हमने देखा था, पायरुवेट कार्बोक्सीलेस, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस फैटी एसिड से ये बनता है। लैक्टेट का के थ्रू भी ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है, और ये सेकंड रिवर्सल हो गया, और ये थर्ड रिवर्सल हो गया। ये एंजाइम्स हो गई ग्लूकोनियोजेनिक एंजाइम्स जो ब्लू कलर से रिप्रेजेंटेड हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आगे वाले वीडियो के अंदर भी। यहाँ हम सिर्फ रेगुलेशन वाला एस्पेक्ट देख रहे हैं। तो जब हम रेगुलेशन वाला एस्पेक्ट देखेंगे तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, ये जो मैंने रेगुलेटरी एरोज लगाए हैं, ये एरोज कौन से हैं, एलोस्टेरिक रेगुलेशन के, कि साइक्लिक एएमपी PFK1 को एक्टिवेट कर रहा है, ATP इनएक्टिवेट कर रहा है, एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हेक्सोकाइनेज को इनएक्टिवेट कर रहा है। इन टर्न फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट जो हमने पढ़ा था PFK1 को एक्टिवेट करता है। सिमिलरली ये जो सिट्रेट है PFK1 को इनहिबिट करता है एलोस्टेरिक रेगुलेशन, ये यहाँ पे कोवलेंट मॉडिफिकेशन साइक्लिक एएमपी करता है इसका। और सिमिलरली यहाँ पे ये हमने एलोस्टेरिक इफेक्ट देखा ही था कि एसिटाइल को ये एलोस्टेरिक एक्टिवेटर होता है पायरुवेट कार्बोक्सिलेस का, और एलोस्टेरिक इनहिबिटर होता है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम का। यहाँ अगेन साइक्लिक एएमपी से ये मैंने आपको कोवलेंट रेगुलेशन बताया था, और ये अगेन एलोस्टेरिक एक्टिवेशन हो रहा है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट की वजह से पायरुवेट काइनेज का। तो ये रेगुलेशन है पाथवे का ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोलाइसिस का लिवर के अंदर। और सिमिलरली ये अगेन कोवलेंट मॉडिफिकेशन के थ्रू साइक्लिक एएमपी फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट बनाता है, जिसकी वजह से उसको इनहिबिट करता है, और ये जो इनहिबिशन है एलोस्टेरिक इनहिबिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट की वजह से, और साइक्लिक एएमपी भी। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो एक साइड को अगर एक्टिवेट किया जा रहा है तो दूसरी साइड को इनहिबिट किया जा रहा है, और दूसरी साइड अगर एक्टिवेट हो रही है तो एक साइड इनहिबिट हो रही है। यानी कि ग्लूकोनियोजेनेसिस अगर एक्टिवेट हो रहा है तो ग्लाइकोलाइसिस इनहिबिट हो रहा है, और अगर ग्लाइकोलाइसिस एक्टिवेट हो रहा है तो ग्लूकोनियोजेनिक एंजाइम्स इनहिबिट की जा रही हैं।
तो ये था हमारे ग्लूकोनियोजेनेसिस का पार्ट टू। माइसेल्फ डॉक्टर आरती शर्मा फ्रॉम सिद्धिविनायक इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेस अजमेर। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।